हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही जो ये वाइट फ्लाई है इनका अटैक हमारे प्लांट में होने लगता है। जब भी आप अपने प्लांट को इस टाइम पे हिला के देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सी मक्खियाँ दिखेंगी। तो जो ये मक्खियाँ होती हैं ये दिखती तो काफ़ी छोटी हैं लेकिन ये हमारे प्लांट को पूरा चूस के प्लांट को बिल्कुल पीला करके ख़त्म कर देती हैं। तो इस वाइट फ्लाई की रोकथाम के लिए हम एक स्प्रे बनाएंगे आज घर पे, जो बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसे ही मौसम चेंज होता है ये मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लांट्स पे आ जाती हैं। और टाइम पे अगर हम इन मक्खियों को अपने प्लांट से ख़त्म ना करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचा देती हैं। इस स्प्रे को बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली है हरी मिर्च। हरी मिर्च ये काफ़ी ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने तीन ही ली हैं। मिर्च हमें तेज ही लेनी है। अगर आपके पास तेज मिर्च ना हो तो मिर्चों को 5 से 6 कर लें। और ली है मैंने 14 से 15 कलियां लहसुन की। अब हमें करना है लहसुन और मिर्च को हम बारीक पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो मैंने एक छोटा गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको बारीक से पीस लेंगे, बिल्कुल पतला सा हमें पेस्ट बना लेना है। अब हमें क्या करना है, एक बर्तन में हम 2 गिलास पानी लेंगे और जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसे इस पानी में डाल के इसको लगभग 10 मिनट तक हमें बॉईल होने देना है। 10 मिनट तक हम जब इसको हल्की आंच में पकाएंगे तो ये जितना भी इसका रस है ये अच्छे तरह से निकल के इस पानी में मिल जाएगा। अब लास्ट में मैं ये 10 मिनट तक अब पक चुका है। अब मैं लास्ट में एक बार गैस को तेज करके इसमें अच्छे से उबाल निकाल के गैस बंद कर दूंगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे छान लेना है। छानने के लिए हमेशा जो बारीक वाली छलनी होती है उसका यूज करना है। अगर आपके पास बारीक छलनी नहीं है तो आप कपड़े का यूज कर सकते हैं, कपड़ा लगा के उससे छान लें। तो अगर हम बारीक चीज़ में इस लिक्विड को छानते नहीं हैं तो हमारी जो स्प्रे बॉटल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये लिक्विड मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए। दोस्तों, ये अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें तीसरी चीज़ मिलाएंगे, वो है लिक्विड हैंड वॉश या लिक्विड सोप। आधा चम्मच आपको मिलाना है, चाहे आप लिक्विड हैंड वॉश मिलाएं या फिर कोई शैम्पू मिलाएं या फिर सोप मिलाएं। और आधा चम्मच हम इसमें लेंगे ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे सरसों का लें या फिर रिफाइंड ऑयल लें। और आधा चम्मच हम ऑयल मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से चम्मच से इसको घुमा लें जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पर 2 टाइप की बोतलें ली हैं, एक मेरे पास स्प्रे बोतल है। अब हमें क्या करना है, 3 गिलास हम नॉर्मल पानी लेंगे और इसमें 1 गिलास हमको लिक्विड मिला देना है। ये देखिए, 1 गिलास मैं इसमें लिक्विड मिला दूँगी। और इसी तरीके से जो मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाई है उसमें भी मैं इस लिक्विड को डाल दूंगी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल मैं इसलिए दिखा रही हूँ, अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो इसके ऊपर के ढक्कन होते हैं इसमें बारीक छेद करके इससे भी स्प्रे बोतल अपनी बना सकते हैं। और जो ये सफ़ेद मक्खी होती है ये पत्तों के पीछे साइड में बैठे रहती है। तो आपको क्या करना है, पत्तों के आगे और पीछे दोनों साइड अच्छे से स्प्रे करना है इन मक्खियों को मारने के लिए। आपको पूरे प्लांट में बहुत अच्छे से स्प्रे करना है, हर पत्तियों के आगे और पीछे दोनों साइड आपको स्प्रे करना है। और 2 से 3 बार अभी स्प्रे कर लें जिससे कि जो प्लांट है उसमें हर जगह ये लिक्विड पहुंच जाए। एक बार हमने अभी ये प्लांट में स्प्रे कर दिया तो हमें लगेगा कि जो वाइट फ्लाई है ये बिल्कुल चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वाइट फ्लाई होती हैं उनके बारीक एग भी इन पत्तों में चिपके रहते हैं। तो हमने एक बार इसमें स्प्रे कर दिया तो हमें छोड़ना नहीं है। अब हमें 2 दिन बाद छोड़ के 3रे दिन फिर से स्प्रे करना है। आज आपने स्प्रे किया, 2 दिन छोड़िए, फिर 3रे दिन फिर स्प्रे करिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो 3 दिन बाद, जब 3 दिन बाद आप स्प्रे करते हैं उसके बाद आपको 1-1 हफ्ते के गैप में ये स्प्रे करना है, जब तक आपके प्लांट से ये जो वाइट फ्लाई है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। क्योंकि प्लांट से तो ये वाइट फ्लाई ख़त्म हो जाती है लेकिन बाहर से फिर से ये हमारे प्लांट में अटैक कर सकती है। इसलिए
तीन दिन बाद आज करा, फिर तीन दिन बाद और करें, फिर हर हफ्ते आपको एक महीने तक ये रूटीन अपनाना है, तो जिससे आपके प्लांट से ये वाइट फ्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप इस लिक्विड को 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप इस लिक्विड का यूज अपने प्लांट में ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।